हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। आज मैं रेसिपी लाई हूँ मीठी बूंदी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बेसन, चीनी, इलायची और ऑयल। सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए बैटर अभी भी गाढ़ा है, इसमें हम पानी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर को मैंने फेंट लिया है, ये ज़्यादा ना पतला रहेगा ना ज़्यादा गाढ़ा। देखिए इस फ्लो में देखिए गिर रहा है, ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हम चाशनी बनाएंगे, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे और चीनी एक कप। इसे बॉईल होने देते हैं। चाशनी अब रेडी है, इसमें हम इलायची डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हम बूंदी को बनाएंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, हम ऐसा करछी लेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे, देखिए ये गिर रहा है कितने अच्छे से। ऐसे इस तरह से करेंगे। बूंदी फ्राई हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मैंने बूंदी बना लिए हैं, चाशनी गर्म है। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम 6 से 7 घंटे तक ढक कर रख देंगे, जिससे ये चाशनी ऑब्जर्व कर ले बूंदी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।